बीजेपी विधायक मंदाताई म्हात्रे के नागरी विकास कार्यों और जनसेवी उपक्रमों को लेकर आज नवी मुंबई की तमाम संस्थाओं ने उनका नागरी सत्कार किया। बेलापुर आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मंदाताई म्हात्रे को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक मंदाताई म्हात्रे की लोकप्रियता बढ़ रही है। आज उनके नागरी विकास उपक्रमों और जनसेवी कार्यों का गुणगान करते हुए बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा समेत कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, यूपी सेल के जिलाध्यक्ष मार्कंडे केवट हरिओम, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले, महिला सेल की अध्यक्षा सुहासिनी नायडू, बीजेपी महिला जिलाध्यक्षा दुर्गा घोट एवं पूर्व मेयर सुषमा दंडे समेत तमाम प्रतिनिधि एवं संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। मंदाताई म्हात्रे ने अपने सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक होने के बावजूद विरोधी दलों की सत्तारूढ़ सरकार उनके सुझाए गए विकास कार्यों को मंजूरी और फंड देती है। यह सब सच्चे दिल से जनता के लिए किए जाने वाले कार्यों का सबूत है। उन्होंने अपनी सफलता को जनता का प्यार और आशीर्वाद करार दिया। मेरे काम में सच्चाई है, पहली बात तो ये मैं सबको आपको बताना चाहती हूँ। अगर सच्चाई से कोई भी काम करना चाहता है तो कोई भी सरकार होगी ना, उसको झुकना ही पड़ेगा। कल सरकार ने काम नहीं की तो मैं आंदोलन कर सकती हूँ, मैं मेरा पद का इस्तीफा दे सकती हूँ। मैं खाली लेटरबाजी दे के शोबाजी करना नहीं चाहती हूँ। मैं कोई भाषण दे के राशन देना नहीं चाहती हूँ। मैं रियल फैक्ट में काम कर रही हूँ और लोगों को मेरे ऊपर जो प्रति विश्वास है वो विश्वास को वैसे ही बरकरार रखना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और ऐसे ही विश्वास रहेगा तो कोई भी सरकार रहने दो। उनको मालूम है मंदाताई को तो कोई काम चाहिए नहीं है, तो जब काम नहीं चाहिए उसमें कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है तो सरकार भी सोचती है अगर ये विधायक का काम नहीं करेंगे तो एक आंदोलन कर सकती है। और पब्लिक इसके साथ में, ये पब्लिक की मांग कर रही है। नवी मुंबई की जो पब्लिक है उसमें आप लोग भी है, वो सब प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इनकी ताकत ही मेरी ताकत है। अगर 2014 में अगर ये लोग मेरे पीछे इतने ताकत से खड़े नहीं रहते थे, मेरे पास एक भी कॉरपोरेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना बीजेपी के ज़्यादा कार्यकर्ता थे, वैसे टाइम में मैंने कमल अपने हाथों में लिया और कमल को लिया नहीं तो कमल को जीत के लाया। और ये सब पब्लिक के वजह से हुआ, ये पब्लिक सब जानती है। इस अवसर पर बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता घंगाले ने मंदाताई म्हात्रे को लोक नेता करार दिया और कहा कि जिस तरह बीजेपी विधायक ने महाराष्ट्र भवन एवं एडवांस हॉस्पिटल के लिए भूखंड दिलाने और नागरी विकास के उपक्रमों को मंजूरी दिलाई है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि उनके इन्हीं विकास कार्यों की वजह से नवी मुंबई में बीजेपी की छवि और भी मजबूत हो रही है। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में हम लोग ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, उसकी शुभकामना देने के लिए ताई के पास आए और आज आप देखे होंगे कि पूरा उत्तर भारतीय समाज एकजुट होकर ताई को अभिवादन करने आया। साथ ही साथ आप देखते हैं कि ताई लगातार निरंतर काम करते रहती है, चाहे महाराष्ट्र भवन के लिए उन्होंने 100 करोड़ का जो सेंक्शन कराया। आज अपने विपक्ष की सरकार है फिर भी ताई ने वो कार्य करके दिखाया, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे उत्तर भारतीय समाज के लिए मैंने कभी भी कुछ फ़ोन किया होगा, हमेशा ताई का सपोर्ट मिला है। इसलिए आज हमारे समाज के सभी लोग मिलकर ताई का स्वागत करने आए, अभिनंदन करने आए। आज यूपी भवन उभा है, गुजरात भवन उभा है, आसाम भवन उभा है, परंतु आमचं महाराष्ट्र भवन अद्याप उभं नाही। मुळात त्याच्यामध्ये निधीची तरतूद नव्हती, मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं त्याचप्रमाणे ताईंनी तो भूखंड महाराष्ट्र भवनासाठी आरक्षित असलेला भूखंड मधल्या काळामध्ये त्याच्यावरचं आरक्षण हटवण्याची सुद्धा 2014-15 वेळेला ती सुरुवात केली होती। आदरणीय ताईंनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून तो प्रयत्न हाणून पाडला आणि तो जो भूखंड आहे तो महाराष्ट्र भवनसाठी राखीव ठेवला। आणि ह्या काळामध्ये आत्ताच आमच्या माजी महापौर दंडे त्यांनी सांगितलं की 100 कोटींची तरतूद, सत्ताधारी पक्ष जो आहे आणि तो त्यातल्या त्यात आपण बघताय महाराष्ट्रातलं राजकारण, महाविकास आघाडीच्या सरकारमधून 100 कोटी भारतीय जनता पक्षाच्या एका विधानसभा सदस्याला मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ताईंची ती किमिया आहे, त्यांनी ते करून दाखवलेलं आहे। आणि मला या मला निश्चितच त्याबद्दल खात्री आहे की ताईंच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र भवनाचं भूमिपूजन करतील नव्हे तर ते महाराष्ट्र बंधन भवन बांधून पूर्ण सुद्धा करते। जबी भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई में कुछ नहीं था तभी ताई ने कमल को हाथ में लिया है और कमल को यहाँ पर नवी मुंबई में खिलाया है।
आज अगर आप देखेंगे कि बेलापुर विधानसभा में जो ताई का कार्य है वो हर क्षेत्र में, भले ही वो शिक्षण क्षेत्र में हो, डेवलपमेंट क्षेत्र में हो, हर जगह पे ताई एकदम तत्पर रही है। अपने यहाँ पे महाराष्ट्र का दुर्भाग्य ये था कि अपने नवी मुंबई में एक महाराष्ट्र भवन नहीं था, तो ताई का दूरदृष्टि आप देखो कितना है। उनका जो प्लानिंग है उसको अगर आप देखने जाएंगे तो आज पुलिस अकेडमी के लिए जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हैं जो बाहर से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, UPSC MCA इनका एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो सब एग्ज़ाम्स के जो बच्चों को जो लाभ होने वाला है इसके ऊपर ताई ने प्लान किया है यूथ जनरेशन के लिए कि उनको क्या कितना लाभदायक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।